सहारनपुर में 4 साल की मासूम का शव तालाब में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि मासूम पिछले 4 दिनों से लापता थी, जिसके चलते परिजनों ने मासूम की काफी तलाश की, लेकिन मासूम का कुछ पता नहीं चल पाया था। वहीं मासूम की सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और मासूम का शत विशत हालत में शव पड़ा मिला। जो हमारी जानकारी में है, ये बच्ची 1 तारीख से गायब थी, इसके ऊपर केस रजिस्टर किया गया था। आज सुबह में जहां पर इनका इस बच्ची का घर है, उससे लगभग 50 मीटर दूर एक तालाब है जिसमें झाड़ियां उगी हुई हैं, उसमें ये बच्ची का शव मिला है। और बच्ची के शव में एक हाथ मिसिंग है और पैर थोड़ा मिसिंग है। तो अभी बहुत ही जल्दी है ये कहने के लिए कि उसके पीछे रीजन क्या रहा है, अभी ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जल्द ही घटना का खुलासा करने की बात भी हो रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से राम कुमार पुंडीर की रिपोर्ट।